आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नेटिंग चैनल में तो आज मैं एक नई डिज़ाइन की मफलर बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही अनोखा है सिलाई तो सीधी और उल्टी है लेकिन वीडियो ज़रूर देखिएगा स्किप नहीं कीजिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो चलिए सबसे अनोखा डिज़ाइन मैं आपको बताने जा रही हूँ तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम सिक्स चेन लेंगे यानी अगर ये आप मफलर बनाती हैं तो सबसे पहले आप थर्टी चेन ले लें यानी तीस चेन ले लेंगे हम यानी तीस यहाँ जो फंदे हैं तीस फंदे ले लेना है आपको तीस फंदे लेने के बाद ही आपको शुरुआत करना है तो मैं सिर्फ थोड़ा बता रही हूं यहाँ से छह फंदों से तो देखिए पहली सिलाई यहां पे हम एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी और पहला फंदा सीधा बना धागा आगे करेंगे फिर इसे भी हम सीधा बनाएंगे धागा अपनी और करेंगे फिर इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे हम यानी जाली डालते जाना है हमें पहला फंदा सीधा अपनी ओर करेंगे यहाँ जाली डालेंगे धागा अपनी ओर करेंगे जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर से अपनी ओर जा फंदे करेंगे और यहाँ पे जाली डालेंगे तो देखिए छह फंदे से कि, कितने फंदे बन गए हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह टोटल हमारे पास ग्यारह फंदे हो गए इसीलिए जब आप इसे स्टार्ट करें तो तीस फंदों के तो तीस से हमारे पास हो जाएंगे इकसठ फंदे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से उल्टे साइड उल्टे साइड सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे डिजाइन की दूसरी रो है ये बहुत ही सिंपल लगेगी देखने में लेकिन इसका तरीका देख के आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगी वीडियो को स्किप ना कर देखते जाएं इसको कि क्या कमाल है इस डिज़ाइन में इस तरह से हम दूसरी लाइन उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट हुई यानी साइड उल्टे साइड अब आ गए सीधे साइड सीधे साइड देखिए क्या करना है पहले फंदे को लास्ट के फंदे को हमें दो बार बुनना है एक ही फंदे को दो बार बुनेंगे तो पहला फंदा देखिए मैं यहाँ बता दूँ आपको इस सिलाई के लिए आपको मोटे सिलाई की जरूरत पड़ेगी यानी इस डिज़ाइन के लिए मोटी सिलाई ले लें आप पहली फंदे उल्टा बुनेंगे सॉरी सीधा बुनेंगे फिर से वापस से इस फंदे को इसमें चढ़ाएंगे इस तरह से और एक बार पीछे की साइड से इस तरह से सीधा बना लेंगे एक पंदे को दो बार बुना ये पंदे को हम बहुत ज़्यादा लूज रखेंगे टाइट नहीं करेंगे देख सकते हैं फंदे कितने लूज हैं उसके बाद जितने फंदे हैं सभी को सीधा बनाएंगे लास्ट के पंदे को फिर से हम दो बार बुनेंगे ये ध्यान रखना आपको लास्ट और फर्स्ट वाली जो फंदे हमारे वो एकदम लूज होने चाहिए और उसे हम दो बार बुनेंगे देखिए लास्ट का फंदा आ गया इसे हम दो बार बुनेंगे तो पहले इस तरह से इसे बुन लेंगे अब क्या करेंगे ये जो धागा इस तरह से सिलाई पे घुमा लेंगे ऐसे घुमा लेना है बुन लेने के बाद ये फंदा इस तरह से घुमाएंगे और जो ये हमने बुना है इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देना है तो ये हमारे दो बार फंदे हो गए बुन के अब उल्टे साइड से साथ सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे यहाँ पर पहला फंदा दो बार नहीं बुनना है हमें उल्टे साइड से फंदे को दो बार नहीं बुनेंगे सीधे साइड से पहला और लास्ट वाला फंदा दो बार बुनेंगे तो देखिए तो इसी तरह से करते हुए आपको सत्तर से अस्सी सेंटीमीटर इसकी लंबाई आपको रखनी है जब आप इसका इसका्फ बना रही हैं तो तीस फंदों से इसे स्टार्ट करेंगे बड़ों के लिए बनाने के लिए बहुत ही स्टाइलिश बनती है ये देखिए उल्टा फंदा हमने बना लिया अब फिर से हम सीधे फंदे पे आ गए सीधे फंदे पे आने पर देखिए क्या करेंगे जो पहला फंदा है इसे हम दो बार बुनेंगे पहला एक बार सीधा बुना हमने वापस से इस धागे को इस पर चढ़ाएंगे और ये फंदा इस तरह से ले जाएंगे सिलाई पीछे अब इधर से देखिए इस तरह से पीछे वाले फंदे को बुन लेना है ढीला देखिए कितना रखना है एकदम लूज देख सकते हैं और फंदों से इसे बहुत ज़्यादा लूज रखना है आपको बाकी बंदे फंदे फंदे को हम इस तरह से सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें साथ में एक घंटी आती है उसे भी दबा लें ताकि मेरी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे कि मैं कौन सी वीडियो कब डालती हूँ तो देखिए लास्ट का फंदा आ गया अब इसे इस तरह से पहले सीधा बना लेंगे सीधा बना लिया हमने अब इस धागे को क्या करेंगे इस तरह से घुमाना है ऐसे और ये वाला फंदा इसके ऊपर से गिरा देना है ऐसे देखिए तो दो बार हो गया हमारा फिर से उल्टे फंदे पे आगे इसी तरह से बुनते हुए आपको कंप्लीट करना है फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे करना है आपको उल्टे साइड उल्टे साइड सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे पहला दूसरा जो भी है सभी को एक ही बार ही बुनना है हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है ये तरीका आपको पूरे हिंदी चैनल में नहीं मिलेगी आपको ये तरीका बनाने का बहुत ही अनोखा तरीका है इसे बनाने का देखिए ये बन गया अब देखिए मैंने थोड़ा सा बुन के रखा है मैं उसमें दिखाती हूँ आपको इसी तरह से सीधा उल्टा करते हुए आपको सत्तर से अस्सी सेंटीमीटर लंबाई कर लेनी है अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पर मैंने बुन के रखा हुआ है देख सकते हैं येलो कलर में मैंने इसकी लंबाई बुन के रखी हुई जब आपकी लंबाई पूरी हो जाए मैं थोड़ा सा नहीं बता रही हूँ आपको अब यहाँ से क्या करेंगे देखिए पहला फंदा पहला फंदा सीधा बनाएंगे हम अब इसे दो बार नहीं बुनना है जब आपकी पूरी लाइन कंप्लीट हो जाए तो ये हमारी तीन लाइनें शुरुआत लास्ट की ये ध्यान दीजिएगा आप पहला फंदा सीधा बनाएंगे इसे दो बार नहीं बुनना धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा इसी तरह से सीधी उल्टी करते हुए ये लाइन को हम कंप्लीट करेंगे धाका पीछे ये वाला सीधा अब आ गई दूसरी लाइन ये तीन लाइनों को ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है ये फिर देखिए इधर से हमारी सीधी आई है तो इधर से हमारी उल्टी आई है तो पहला फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे करेंगे ये फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी और ये फंदा उल्टा बनाएंगे ये सीधा बनाएंगे उल्टा धागा पीछे सीधा धागा आगे उल्टा धागा पीछे सीधा फंदा धागा आगे उल्टा फंदा, धागा पीछे सीधा फंदा, धागा आगे उल्टा फंदा, धागा पीछे सीधा उल्टा सीधा लास्ट का फंदा उल्टा दो लाइनें हमने सीधी उल्टी की एक बॉर्डर की तरह हमने बना लिया है अब देखिए तीसरी सिलाई यहाँ पे क्या करना है देखिए अब ध्यान दीजिएगा पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरह से सीधा बुना हमने धागा अपनी और करेंगे और ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है आपको इसे हम इस तरह से गिरा देंगे और सीधा फंदा को इस तरह से जाली डालते हुए बुन लेंगे धागा अपनी और करेंगे उल्टा फंदा फिर से आ गया इसे गिरा देना है सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे लेकिन धागा अपनी ओर करते हुए इस तरह से घुमाते हुए अपनी ओर लाएंगे अब ये जो उल्टा फंदा है इसे हम गिरा देंगे अब ये जो उल्ट सीधा फंदा है इसे हम सीधा बना लेंगे फिर धागा अपनी ओर करेंगे उल्टे फंदे को गिरा देंगे सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे फिर धागा अपनी ओर करेंगे उल्टा फंदा गिराएंगे सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे फिर धागा अपनी ओर उल्टे फंदे को गिरा लेंगे सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे धागा अपनी और उल्टे फंदे को गिरा देंगे सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगी अब यहाँ पे क्या करना है सारे फंदे को हमें बंद कर लेना है एक फंदा हमने उल्टा बनाया दूसरा फंदा उल्टा बनाया अब ये फंदा इसके ऊपर से गिरा देना है आपके फंदे इसी तरह से दिखेंगे ऐसा नहीं कि सोचे कि आप ये क्या बहुत ज़्यादा फंदा लंबा हो गया ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको ये फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे फिर से एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे उल्टा या सीधा किसी तरफ से भी आप घटा सकती हैं ये लिया हमने ये फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे हम इस तरह से देखिए फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे और ये फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे इसी तरह से करते हुए सारे फंदे को हम बंद कर लेते हैं बंद करने का तरीका तो आपको पता ही है सारे फंदे को बंद कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको यहाँ पे देखिए सारे फंदे को हमने बंद कर लिया लास्ट में गांठ लगा ली तो मैं आपको बता दूँ कि देख सकते हैं कि मेरी ये जो सिलाई है कितनी मोटी है इसके सामने देख सकते हैं कितनी मोटी है तो इस तरह से मोटी सिलाई से अगर अब बनाती है तो बहुत ही अच्छा बनेगा अब देखिए इसे क्या करना है अब इसकी मैजिक होगी अब इस तरह से सारे फंदे को हमें खोलना है देखिए इस तरह से करते हुए हम सारे फंदे को खोलेंगे बस ऐसे घीचते हुए जाना है आपको सारे फंदे खुल जाएंगे ये बहुत ही अनोखा तरीका है ये इसका इस आपको बनाने का इस तरीके का स्काफ आपको सिर्फ विदोशों में ही मिलेगी उसी चैनल में आप इस तरह का कुछ स्का्फ देख सकती हैं आप लेकिन हिंदी वाले चैनल में आपको नहीं मिलेगी ये देखिए इस तरह से हमने घींच दिया तो कितनी लंबी हो गई देखें इतनी छोटे से में ही ये भी सारे फंदे को हमने खोल लिए साइड के भी लंबे कर लेंगे सारे फंदे देखिए इसे खोलना है जो हमने दो बार बुना था इसे भी हम इस तरह से खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा फंदा इधर से भी खोलेंगे हम देखिए सारे फंदे खुल गए अब इसे क्या करना है इस तरह से खींच देना है देखिए हमारी कितनी खूबसूरत इस्कार बन के आ गई है एकदम नए डिज़ाइन में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि सीधे उल्टे तरीके से इस तरह से खूबसूरत सा इस्कार्प बन के आ सकता है आप इसे राउंड शेप में अगर गोल गले में लेना चाहती हैं तो क्या करना है दोनों को आपस में इस तरह से सिल देना है इस तरह से गोलाई में बन के आ जाएगी इसका या तो फिर इस तरह से लंबाई में भी आप रख सकती हैं जैसे मैं इस डॉल को पहना के दिखा रही हूँ आपको इसे इस तरह से लेना है आपको और ऐसे घुमाते हुए भी आप इसे रख सकती हैं या फिर क्या करना है इन दोनों को आपस में से सिल लेंगे और सिर्फ इसे गले में इस तरह से घुमाते हुए दो राउंड में इस तरह से पहन सकती हैं आप इस तरह से घुमाते हुए तो देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकाप बनी है उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते फिर कुछ नए वीडियो के साथ